हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे और जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट चल रहा था वो है एशिया महाद्वीप, या कह लीजिए एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो हम लोग बच्चों अगर हम बात करें तो हम लोग लास्ट क्लास में जो कर रहे थे वो है एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। ठीक है, जिसको एशिया कॉन्टिनेंट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक मेरे बच्चों, एशिया कॉन्टिनेंट। तो इसमें हम लोग बात करें तो बच्चों मेरे, हम लोग इसमें बहुत कुछ काफी कुछ पढ़ चुके थे। जैसे कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें मैंने कहा कि जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे मेरे बच्चों। कौन कौन से वो मैंने डिवीजन इसमें बताए थे, तो मैंने कहा कि इसको सबसे पहले हम बांटेंगे। एक इसका डिवीजन मैंने करके बताया आपको, वो है पॉलिटिकल डिवीजन। कौन सा डिवीजन, यानी पॉलिटिकल डायमेंशन, इसका एक देखेंगे हम लोग पॉलिटिकल डायमेंशन। और दूसरा जो देखेंगे वो है फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमने जब शुरू किया था तो हमने कहा कि हम लोग पहले इसका पॉलिटिकल डायमेंशन देखेंगे मेरे बच्चों, देन इसके बाद हम लोग इसका फिजिकल डायमेंशन देखेंगे। अब यहां पर बात यह आती है कि आप जो अगर मान लो कोई नए बच्चा है उसको ये वो समझ में नहीं आ गया क्या पॉलिटिकल होता है, क्या फिजिकल डायमेंशन हमें पढ़ना है, तो जो पुराने उनको तो समझ में आ रहा है कि मैंने पिछली पहली क्लास में ये सब समझाया। लेकिन नहीं, तो देखो अगर नहीं समझ में आ तो मेरी बात सुनेंगे। क्या है जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन है, तो पॉलिटिकल डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट है। अब भाई एशिया कॉन्टिनेंट अर्थ के अंतर्गत है, यानी जो पृथ्वी है उसके अंतर्गत एशिया कॉन्टिनेंट आता है। और उस कॉन्टिनेंट में जो उस वो अर्थ है, उस अर्थ पर जो है एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पर, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये हम देखते हैं इसमें पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है, भाई एशिया एक बड़ा भू आबद्ध है, एक बड़ा भूभाग है और उसमें कई छोटे छोटे देश हैं, कई देश हैं। तो उसमें उन देशों की, एशिया कॉन्टिनेंट में उन देशों की लोकेशन देखते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये इंडोनेशिया बच्चों, तो इंडोनेशिया, अब जो एशिया महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया कहां पर है, तो जैसे हम इनको बोलते हैं दक्षिण पूर्व देश, है ना, दक्षिण पूर्वी देश, है ना। तो दक्षिण पूर्वी देश का मतलब क्या है कि इसकी लोकेशन क्या है, दक्षिण पूर्वी। अब ये कैसे डोनेट कर पा रहे हैं, हमको जब एग्जैक्ट पता है कि एशिया कॉन्टिनेंट कहां पर है, तो इस तरीके से हम जो कौन सा देश कहां पर है, उसकी कैपिटल क्या है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड हो, कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट हो, ये सारी चीजें और कोई देश की लोकेशन, हर एक देश की लोकेशन, वो जो हम पढ़ते हैं वो पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। फिर देन इसके बाद हम लोग फिजिकल डायमेंशन की बात करें मेरे बच्चों, तो फिजिकल डायमेंशन में हम लोग जो कवर करते हैं वो है जैसे कि एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में बहुत सारे माउंटेन हैं, जैसे हिमालय है, ठीक है, बहुत सारे मरुस्थल हैं, बहुत सारी नदियां हैं, ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, और प्लेटूज हैं, तो ये सारी चीजें, लेक्स हैं, इन सब चीजों को जिनके अंतर्गत पढ़ा जाता है वो होता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल का मतलब दोस्तों होता है भौतिक, भौतिक मतलब जो नेचुरली बने हुए हैं, जिनको कह सकते हैं कि मेन मेड नहीं है। जो हालांकि जो जैसे रिवर्स, जैसे क्या कह सकते हैं, जो लेक्स होती है वो मेन मेड भी हो सकती है, लेकिन उनका जो समानता अगर देखा जाए तो उनका ज्यादातर जो निर्माण है या ज्यादातर उनकी जो संरचना बनी हुई वो क्या है दोस्तों, नेचुरल है, मेड में। तो इसी वजह से हम इसको फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो हम जो अध्ययन कर रहे थे पिछली क्लास में जब मैंने आपको स्टार्ट किया था, तो मैंने पॉलिटिकल डायमेंशन में स्टार्ट किया था, और फिर मैंने पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत मेरे बच्चों मैंने स्टार्ट किया था। यहां से मैंने कहा कि हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और इस तरीके से ये सारे कंट्री को कवर करते हुए आएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास में ये सारा कुछ पढ़ाया, फिर मैंने यहाँ पर आपको जहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको लाओस मिल जाएगा, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, इस तरीके का आपको देश मिल जाएंगे, तो मैंने यहाँ से कवर कराया। फिर मैंने आपको जापान कवर कराया, फिर इधर मैंने चाइना, कजाकिस्तान, इसमें यहाँ पर मैंने सारा कुछ बताया। फिर जैसे कि मैंने यहाँ जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इसको सेंटर लिया था उज्बेकिस्तान को, और इसके चारों तरफ के जो पाँच छः देश हैं इनको मैंने पढ़ा दिया था, रसिया मैंने पढ़ाया। फिर ठीक है, तो फिर मैंने लास्ट क्लास बच्चों मैं क्या कहाँ पढ़ा रहा था आप लोगों को, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये क्या थी, ये जो मैं आपको अभी तक बता रहा था ये पिछली क्लास का मैंने रिकैप करा दिया कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए होंगे उनको एटलीस्ट उनके एक दिमाग में फ्रेमवर्क जो जरूर बन गया होगा कि सर ने क्या क्या पढ़ा दिया और किस तरीके से सर पढ़ाते हैं, वो आपको एक आइडिया मेरा लग गया होगा। ठीक है,
तो जो भी बच्चे नए हैं, मैं उनसे बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी पिछली क्लास देख लें, यानी एशिया कॉन्टिनेंट के पहली क्लास से शुरू करें, तो आपको बहुत बेटर समझ में आने लगेगा, बहुत बेटर से अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं उसके लिए बस मैं क्या करूंगा कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी जो है इसकी प्लेलिस्ट तो मैंने बना ही दी, तो मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट पूरी शेयर कर दूंगा। और उसमें आपको प्लेलिस्ट के साथ क्या फायदा होगा कि मैंने एशिया कॉन्टिनेंट से पहले भी मैंने चार कॉन्टिनेंट करा दिए, जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो ये कॉन्टिनेंट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आपको वो भी एक सिक्वेंस में सारी क्लासेस की मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से एक एक करके देख लीजिएगा। लेकिन अभी आप क्या करिएगा, अभी पहले आप एशिया की सारी क्लासेस देखिएगा, जब एशिया कंप्लीट हो जाए देन इसके बाद आप पिछले जितने भी कॉन्टिनेंट मैंने करा दिए वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका एक होल पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। अभी मैं कराने वाला हूँ तो आप सीख समझ पाएंगे। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनसे आप फीडबैक ले भी सकते हैं। तो चलिए, तो हम आप शुरू करते हैं बच्चों, जो हमारा बचा हुआ था कल लास्ट क्लास में मैंने यहां पर दोस्तों शुरू किया था। ठीक है, तो आप देखते चलते हैं, चलिए हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। तो अब आराम से जो भी चीजें मैं लिखाऊंगा बच्चों आप वो लिखते चलना है आपको एक एक चीजें, और आपको ध्यान से बस लोकेशंस, तो अपने एटलस आपके पास अगर हो तो आप क्या करेंगे, एक एटलस अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अपने टेबल के सामने जो एशिया कॉन्टिनेंट का जो पॉलिटिकल वाला पार्ट है उसको खोल के अपने टेबल के सामने वहां पे एटलस का रख लेंगे। जो चीज मैं आपको कहूंगा देखने को बस उतना ही देखिएगा, उससे अलावा आप एक भी अक्षर मत लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखो, जैसे कि जब मैंने आपको यहाँ पर उज्बेकिस्तान पढ़ाया, अब आराम से मैं बोलूँगा और बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, अभी तक मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम आराम से पढ़ेंगे। देखो, हम जब उज्बेकिस्तान को मैंने जब मैंने यहाँ मध्य एशियाई देश पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको क्या करा था, मैंने यहाँ पर उज्बेकिस्तान को सेंटर लिया था और उसके चारों तरफ के मैंने देश पढ़ा दिए थे। उससे क्या हुआ कि आपको एक चीज एग्जैक्ट लोकेशन ये पता चलने की कोशिश हुई कि हम अगर उज्बेकिस्तान को ध्यान में रखते हैं तो हमें ये पता रहेगा कि उससे कौन कौन से बॉर्डर टच कर सकते हैं और कौन से दो देश एक दूसरे की बॉर्डर शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको देखो अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जैसे कि अब हम जैसे यहाँ पर पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि ये जो आई फॉर मैंने जो ब्लू पेंसिल लिखा है ये क्या है, ये इराक है। तो मैंने जब इराक को मैंने सेंटर लिया बच्चों, देखिए जब मैं अगर इराक को सेंटर लेता हूँ, ठीक है, और बायलैंग्वल रहेगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा और लिख भी दोनों दूंगा, बस आप खाली अभी ध्यान दीजिएगा समझने पर। देखो, जब मैंने इराक को सेंटर बनाया मेरे बच्चों, जैसे कि देखिए ये इराक है, जब मैंने इस इराक को सेंटर बनाया तो देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए ऊपर मैं टर्की पढ़ाऊंगा आपको, यहां पर इसकी जो नॉर्थ में से जो बॉर्डर टच कर रहा है वो है टर्की, आप अपने एटलस में देख सकते हो, जिसके पास नहीं वो यहां देख सकता, ये देखिए यहां पर बॉर्डर टच कर रहा है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे इसके, तो यहां पर इसके सीरिया बॉर्डर टच कर रहा है, सीरिया है बच्चों। देन इसके बाद अगर यहां पर देखेंगे आप तो इसके जॉर्डन बॉर्डर टच कर रहा है, जॉर्डन। देन इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे मेरे बच्चों तो यहां पर आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा होगा, सऊदी अरेबिया, ठीक है मेरे बच्चों, सऊदी अरेबिया दिख रहा होगा। और इसके बाद अगर यहां पर देखेंगे तो यहां कुवैत आपको दिखेगा, कुवैत बॉर्डर टच कर रहा है। देन इसके बाद यहां देखेंगे तो ईरान बॉर्डर टच कर रहा है। तो आप देख लीजिए बच्चों, अगर हम इराक को सेंटर बना ले, इराक को अगर देख ले सेंटर बना ले, तो हम इतने कंट्री आराम से देख सकते हैं। और इससे फायदा क्या होने वाला, तो एक चीज देखिए, मैं अगर आप देखिए जो जॉर्डन है वो कहां पर है इराक के, वो वेस्ट में है यानी पश्चिम में है, और इराक के और ईरान कहां पर है, वो इराक के पूर्व में है। तो आप सोचिए क्या जॉर्डन और ईरान एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर पाएंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब दो दिशाएं हैं पूरा पश्चिम, जब दो दिशाएं कभी आपस में नहीं मिलती तो जब दो देश पूरा पश्चिम वो कैसे मिल जाएंगे, तो उनका बॉर्डर कैसे शेयर हो सकता, तो नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ये आपका एक समझने की और प्रोसेस, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपसे कभी भी पूछा जाए कि जॉर्डन ईरान बॉर्डर शेयर करता, तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि जॉर्डन जो है वो इराक, ठीक बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि मतलब जैसे कि अगर हम आपसे कभी पूछे कोई कि जॉर्डन ईरान को बॉर्डर शेयर करता कि नहीं करता, क्यों? क्योंकि जॉर्डन इराक के कहां पर है, वेस्ट में है, और ईरान कहां पर है, ईस्ट में, यानी पूरा पश्चिम में। जब दो डायरेक्शन आपस में एक नहीं मिल सकते, दो देश के बॉर्डर कैसे मिल जाए। ऐसे ही आपसे कोई पूछे टर्की और सऊदी अरबिया, अरब का बॉर्डर टच होता है, तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि टर्की नॉर्थ में है इराक के और सऊदी अरबिया कहां, साउथ में। तो ये क्या होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। और ये कैसे सीख पाएंगे, जब आप एटलस को देखेंगे इस तरीके से, जब आप पढ़ेंगे। देखो, किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन किताबों को समझना जरूरी होता है। हर चीज को हम अपने तरीके से पढ़ते हैं तभी हम उसको बेटर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, मैं हर चीज को मैप क्यों मैप पे इतना फोकस करता हूँ, रीजन यही है क्योंकि आपकी चीजें दिमाग में छपेंगी, आपकी चीजें दिमाग में क्लियर रहेंगी। आप पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे लेकिन आपने जब कभी कुछ चीजें बना के प्रैक्टिस की आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे।
30 बजे देखिए, ठीक है। तो हम लोग इराक को अगर सेंटर बना, देखिए कितने देश हम पढ़ सकते हैं, देखिए तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, और हमें यह भी पता रहेगा कि इतने सारे बॉर्डर जो है वो इराक से बॉर्डर शेयर करते ही करते, और कौन किससे नहीं करेगा। तो अगर हमें पता रहेगा कि इराक के ईस्ट में कौन से देश हैं, तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये दोनों देश, ईरान और एक जॉर्डन, या कहते कुवैत या सीरिया, या कहते सऊदी अरेबिया, ये टर्की, ये दो एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई। तो अब देखिए, जब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाना शुरू किया था, तो कुछ रीजन है ना, कुछ मतलब लाइट की रीजन की वजह से मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ दो ही देश पढ़ा पाया था, मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने इराक और टर्की के बारे में मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं उनसे मैं बस यही बोलूंगा कि आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। मैं हर चीज सिक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, और हर चीज को जहां मैं छोड़ता हूं वहीं से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि मैंने देखो इराक और टर्की को लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया, और आज हम लोग सीरिया से स्टार्ट करेंगे। तो अब पहले सबसे पहले आपका एक काम यह है कि आप इस बॉर्डर को देखेंगे, मतलब इस मैप को बनाएंगे, और दूसरी चीज अपने मैप एटलस में भी देखते चलेंगे, तो आपको एक चीज एकदम क्लियर समझ में आती है। ठीक है, और आप जिनके पास एटलस नहीं है वो यहां पर देख सकते, हो सकता है ये छोटा दिख रहा हो लेकिन आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, ये चीजें मैं आपको गारंटी दूं, आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं अब इधर। ठीक है, तो ठीक है, और आप इससे देखिए एक चीज और समझ पा सकते हैं, अगर हम देखिए ये भारत है, अगर हम भारत से चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, इराक, ईरान में, तो हमें ईरान नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो इराक के ईस्ट में, और ईस्ट का मतलब क्या है, और इंडिया भी क्या है, ईरान के ईस्ट में ही है। तो जब इराक जो है ईस्ट में है, तो साहिर सी बात है कि हम जब इंडिया से चलना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए अगर हम आएंगे तो हम ईरान पहले आएंगे फिर इराक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, ये समझने वाली बात होती है। तो चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, हम लिखना शुरू करेंगे एक एक कंट्री के बारे में। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सीरिया, और सीरिया के बारे में हम थोड़ा कुछ आपको वहां के कुछ पोर्ट्स पढ़ाएंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एक पोर्ट्स है और कुछ प्लेस इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमेशा अक्सर न्यूज में रहते हैं। ठीक है, तो उनको आपको ध्यान में रखना रहेगा। चलिए हम बात करते हैं बच्चों सीरिया, आप हेडिंग डालेंगे आप लोग सीरिया, ठीक है, तो हेडिंग रहेगी बच्चों सीरिया। अब मैं हिंदी हिंदी दोनों लिख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों के लिए, सीरिया। ठीक है, सीरिया, तो ये बच्चों सीरिया है, और सीरिया में अगर हम सबसे पहले हमको ये पता होना कि देखो हर कंट्री की एक अपनी कोई कैपिटल होती है। अब कैपिटल मतलब क्या होता है वो मैंने भी पिछली क्लास में पढ़ाई है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर कैपिटल इसकी, तो इसकी जो कैपिटल है दोस्तों ना, इसकी कैपिटल डमेकस, क्या है कैपिटल इसकी, डमेकस, डी ए एम ए डमेकस, ठीक है, डमेस्कस, ठीक है, डमेकस इसकी कैपिटल है, यानी अगर हम बात करें दमस्क, दमस्क ऐसे बोलते हैं, हिंदी में ऐसे दमस्क लिखा होगा और इंग्लिश में ऐसे दमस्क, डमेस्कस लिखा होगा। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है सीरिया की वो क्या है, दमस्क या डमेस्कस। ठीक है, तो आपको कैपिटल तीन चार बार बोलेंगे मेरे साथ में, सीरिया कैपिटल डमेस्कस, सीरिया कैपिटल डमेस्कस, सीरिया कैपिटल डमेस्कस, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में याद हो जाएगा, आपको ज्यादा जोर नहीं लगानी पड़ेगी, एक दो बार अपने मन से अपने मन में बोल लें तो आपको हर चीज याद हो जाएगी। ठीक है, देन इसमें बात करते हैं बच्चों, सीरिया में हमने कैपिटल जान ली कि इसकी डमेस्कस, इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों कुछ प्लेसेस हैं, जैसे इसमें आपको हमेशा न्यूज में अक्सर सुनने को मिलता होगा, इसका एक जो प्लेस है वो है इडलिब, इडलिब बच्चों एक यहां का एक इडलिब, ठीक है, इडलिब यहां पर एक प्लेस है बच्चों जो हमेशा अक्सर न्यूज पर रहता है, इडलिब, ठीक है, इडलिब, इसको याद रखिएगा इडलिब। ठीक, देन इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो प्लेस है वो है बच्चों यहाँ का जो एक पोर्ट है, एलेप्पो पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये रेड सॉरी ये क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मेडिटेरियन सी से जो सीरिया का, जो सीरिया का जो व्यापार होता है मेडिटेरियन सी से, यानी भूमध्य सागर से जो सीरिया का व्यापार होता है वो जो है इसी पोर्ट के माध्यम से होता है, इसलिए ये पोर्ट इसके देश का, इस देश का यानी सीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कौन सा, एलेप्पो पोर्ट, याद रखिएगा इडलिब और एलेप्पो, ये दोनों कॉमन वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, और ये दोनों कहां पर है, ये दोनों ही दोस्तों कहां पर, सीरिया में, और सीरिया में जो एलेप्पो पोर्ट है वो किस लिए फेमस है, क्योंकि मेडिटेरियन सी यानी जो कह रहे मेडिटेरियन जो ट्रेड है या जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो सीरिया में किस पोर्ट के माध्यम से होता है, तो एलेप्पो पोर्ट के माध्यम से बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यानी अगर हम बात करें तो जैसे कि जो सीरिया का जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है अगर 100% मान लिया जाए तो उसमें से लगभग 60-65% जो 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 ट्रेड है वो क्या है, वो इसी एलेप्पो पोर्ट के माध्यम से होता है, तो इसलिए ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर एक पोर्ट है, क्या नाम बच्चों इसका, एलेप्पो,
एलेप्पो पोर्ट। अब पोर्ट को क्या बोलते हैं, देखो एलेप्पो नाम एलेप्पो ही रहेगा, पोर्ट को बंदरगाह बोल देते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश उतना कोई मैं इशू नहीं करता। देखो जैसे मेरा नाम सुनील है तो मैं इंग्लिश में बोलूँ चाहे हिंदी में बोलूँ, अब वो मेरा नाम सुनील ही रहेगा, चाहे फ्रेंच में बोलो किसी में बोलो नाम मेरा वही रहेगा। हाँ बोलने का तरीका बदल सकता है, ठीक है, लिखने का तरीका बदल सकता है, लेकिन बोलने में वही चीज आएगी। तो नाम जो होता है वो नाम नाम ही रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एलेप्पो पोर्ट कहाँ पर है, ये कहाँ पर, ये सीरिया में। यहाँ पर एक दो शब्द और होते हैं, हालांकि अगर आप चाहें, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप उनको भूल सकते हैं, आपके लिए छूट है। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपीसी देना चाह रहे हैं, उनके लिए दो स्पेशल दो और मैं प्लेस आपको बताऊंगा, उनको याद रखना है। लेकिन जो मान लो नहीं कर रहे हैं, जो छोटी वन डे एग्जाम या कह लीजिए और भी कोई एग्जाम्स की तैयारी करें, तो उनके लिए ये प्लेस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। मैं यहाँ पर ये भी बता दे रहा हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पर आपको एक प्लेस मिलेगा हामा, हामा, और एक प्लेस मिलेगा होम्स, है ना, हामायर होम्स। ये दो प्लेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन के लिए, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है, यूपीपीसी की तैयारी करे, वो कभी भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो वन डे एग्जाम है उनके लिए यही तक बहुत है। इडलिप याद रख लें, एलेप्पो पोर्ट रख लें, इससे ज्यादा आपको आपका आपको अपना दायरा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। बेफजूल की चीजें याद नहीं रखनी है, जब आपके सिलेबस में वो चीज है नहीं, जब आपसे पूछा ही नहीं जा सकता तो आप क्यों ऊपर याद करें, ठीक है। तो सीरिया के बारे में इतनी चीजें याद रखनी। अब एलेप्पो पोर्ट की मैं अगर बात करूं बच्चों, तो आपको दिखेगा कहां पर, तो देखिए मैं आपको जरा सा एक दूसरे पेन का यूज करता हूं। यहां पर देखो जैसे कि एलेप्पो पोर्ट है, जैसे ये सीरिया मेरे बच्चों, देखो टर्की है, टर्की के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको सीरिया मिल जाएगा। तो एक चीज आपको ये भी दिख रहा होगा कि सीरिया एवं टर्की दोनों एक दूसरे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपको इसके जस्ट यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको एलेप्पो पोर्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एलेप्पो पोर्ट देखो, इडलिप है, हमास है, आपको वहां पर लोकेशन पे नहीं मिलेगा, आपको उनकी कंट्री में इनकी लोकेशन साथ नहीं मिलेगी, लेकिन एलेप्पो पोर्ट आपको लिख जाएगा, पोर्ट नहीं लिखा होगा लेकिन एलेप्पो लिखा होगा, वो वहां पर आपको दिख जाएगा, सीरिया में ये दिखेगा। लेकिन ये इडलिप है, हमास है, ये और होम्स है, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो इनको आपको याद रखना है कि ये यहाँ पर है प्लेसेस में, ठीक है। और आपको जैसे कि मान लो नहीं है तो आप वहीं पर कहीं पर लाइन बना के वहां उसके सामने कहीं भी लिख दें, वो ये भी हो सकता है, आप अपडेट कर दें, अपने अपने खुद से अपडेट कर दें उसको, ठीक है। देखो तैयारी कही की, अब जैसे मैंने ये प्लेस पढ़ा दिए, मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्लेस सीरिया का जो न्यूज में रहा, न्यूज में रहा, और भाई वो अब जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है एक साल बाद कोई ऐसा प्लेस जो न्यूज में है, अब वो मुझे तो नहीं पता कौन सा प्लेस है, लेकिन मान लो न्यूज में रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, सीरिया का आपका जहां दिख रहा है आप उसी के आगे उस प्लेस को अपने नाम, जो जहां पर कंट्री है उसके आगे उसका प्लेस का एक नाम ऐड कर दीजिए, अपने थोड़ा सा जगह छोड़ते चलिए हर जगह पर, ताकि क्या होगा कभी भविष्य में कोई न्यूज में कोई आता है कोई प्लेस, उसको लिख सके। तो ये एक तरीका होता है, और बाकी ये कोई नहीं बता सकता कि अगले एक साल आने वाले में समय में कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस, कौन सा सीरिया का इंपॉर्टेंट, भाई बहुत सारे शहर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब हम सबको तो याद करते नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम इंडिया में पढ़ते रहते हैं तो वैसा नहीं कर सकते हम ना, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उन्हीं को पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए हमारी बस स्ट्रेटेजी यही रहनी कि अगर न्यूज में कोई बना है तो बस हमको करना बस वही कि हम उसको किसी भी कंट्री का हो उसके आगे वहां पे लिख देंगे कि ये इस कंट्री से रिलेटेड ये न्यूज में था, इसको भी हम याद कर लेंगे, अपनी लिस्ट में उसको ऐड करना है, बस इससे ज्यादा कुछ। और मैं कह रहा हूं ज्यादातर यही प्लेस आपको न्यूज में दिखते हैं क्योंकि ये ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये किसी ना किसी धार्मिक कोई ऐसे प्लेस के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ इस चीज़ को समझाने पर, क्योंकि नए बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं थी कि मैं कैसे पढ़ूँ, अपडेट कैसे करते चलूँ चीज़ों को, तो ऐसे ही अपडेशन होता है, बाकी और कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मैं फिर से नोट बना रहा हूँ अपडेट करके, नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते चलिए, आए दाए बाएं कोई न्यूज़ में रहे उसको ऐड कर लीजिए, बस इतना अपडेशन रहता, बाकी और कुछ नहीं करना होता है। और मैं कह रहा हूँ जो स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स दोस्तों बहुत पूछा जाता है पेपर में, बस आपको ये लगता है कि ये करंट में था तो ये पूछ ले, नहीं, उसका करंट तो था, उसका कुछ स्टैटिक भी रोल था, इसीलिए वो पूछा गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको फटाक से लिखेंगे चीजों को, ठीक है। तो चलिए आपने सीरिया को देख लिया, अब हम अगली जस्ट कंट्री उसके देखेंगे। तो सीरिया के बाद मैंने कौन सा कंट्री पढ़ाया था, जन्म उसके बाद मैंने आपको जॉर्डन पढ़ाया था, ठीक है। तो जॉर्डन की बात करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। तो जॉर्डन देखो, जॉर्डन की जो है उसकी हमको क्या करना है, उसमें हम कोई प्लेस हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोई प्लेस हमको नहीं पढ़ना उसकी, सिर्फ हमको क्या, जॉर्डन, ठीक है, उसकी सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, उसकी सिर्फ हमको पढ़ना है कैपिटल, ठीक है। जॉर्डन की जो हमें कैपिटल पढ़ना है ना, सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, कैपिटल पढ़ना बच्चों। इसकी कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, तो आप सभी बताएंगे मुझे, और नहीं पता है तो आप इधर देखेंगे, ठीक है, ए डबल एम ए एन, ठीक है, एमान, है ना, जॉर्डन की एमान, है ना, एमान, ठीक है। तो जॉर्डन की कैपिटल क्या है, जॉर्डन कैपिटल क्या है दोस्तों, एमान, ठीक है। तो एम
याद रखना है जॉर्डन, ठीक है। तो जॉर्डन कैपिटल दोस्तों याद रखना है अमन, ठीक है। तो इसकी कैपिटल और ये कहां पर है देखो, तो इराक के या कहां पर, वेस्ट पर, यानी ये जॉर्डन और ईरान एक दूसरे से बॉर्डर नहीं टच करता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है, जॉर्डन में ज्यादा नहीं पढ़ना तो इसको मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, इसकी सिर्फ कैपिटल आपको याद रखना है, बस उतना याद रखेंगे। लेकिन इसके बाद आएंगे दोस्तों सऊदी अरबिया। अब यहां पर मैं आपको दो तीन चीजें बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग दुबई दुबई नाम सुनते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दुबई जो है वो सऊदी अरब में है, दुबई जो है वो सऊदी अरब की कैपिटल है। बच्चों ना तो वो कैपिटल है और ना तो वो सऊदी अरब में कोई शहर है। जो दुबई है, दुबई दुबई हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, दुबई जो ना तो सऊदी अरब में है और ना तो सऊदी अरब की कैपिटल। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो तैयारी कर रहे होते हैं उनसे पूछा जाए तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है वो बताएंगे दुबई। मैं इंक्लूडेड, मैं भी यही करता था पहले, मुझे जब तक मैंने नहीं पढ़ा है तब तक मैं भी यही समझता था कि क्योंकि सऊदी अरब ऐसा प्लेस है बच्चों कि अपने कंट्री से बहुत सारे लोग वहां जाते हैं। तो आपके आस पड़ोस में कोई अगर मुस्लिम्स होगा या कोई भी होगा तो आप क्या लगेगा कि आपको कभी ना कभी सुनने को मिले होगा कि मेरे चचा या मेरे दद्दा या मेरे जो भी हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं। तो सऊदी अरब सुनते सुनते इतना ज़्यादा जहन बन जाता है कि हम लोग जो दुबई है सऊदी अरब है, तो दुबई और सऊदी अरब में इनमें हम लोग क्या को सोचते हैं कि सऊदी अरब एक देश है, दुबई उसकी कैपिटल है, ये समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा है ही नहीं बच्चों, दुबई जो है ना तो वो सऊदी अरब में है ना तो उसकी कैपिटल है, ठीक है। सऊदी अरब की कैपिटल जो है वो क्या है, वो रियाद है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। तो आप डालेंगे बच्चों सऊदी अरबिया, सऊदी अरेबिया, होता है अरब लेकिन हम इसको लिखते हैं इंग्लिश में सऊदी अरेबिया। तो अगर इंग्लिश में हिंदी में आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे आप लोग, सऊदी अरब, ठीक है बच्चों, तो सऊदी अरब। अब इसकी कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इसकी कैपिटल क्या है। तो आपने ये तो जान लिया कि ये इसकी कैपिटल क्या है, दुबई नहीं, दुबई नहीं है क्योंकि दुबई इसमें कोई शहर ही नहीं है। तो सऊदी अरब की अगर हम बात करें इसकी कैपिटल जो है वो है रियाद मेरे बच्चों, रियाद। मैं एक चीज आपको एक और चीज याद करा देता हूं यहीं पर कि इसी कैपिटल रियाद के वजह से ही यहां पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है रियाल। यहां पर जो करेंसी चलती है यानी जो रुपया चलता है, जिससे हमारे यहां जो रुपया चलता है, जिससे हमारी करेंसी क्या है, हमारे यहाँ करेंसी रुपया है, इसी तरीके से उनकी जो करेंसी है, उनकी जो मुद्रा है, उस मुद्रा का क्या नाम है, तो उनकी मुद्रा का नाम है रियाद। किस पे रखा, सॉरी रियाल किस पे रखा गया, तो इनकी सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, उसी के नाम पर उसका कैपिटल, उसका जो करेंसी का जो नाम है वो है रियाल, ठीक है। तो आपको यह भी चीज याद हो गई कि उसकी कैपिटल, सॉरी उनकी जो करेंसी है उसका क्या नाम है, रियाल, ठीक मेरे बच्चों। तो हम जान गए रियाल के बारे में। देन इसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है मेरे बच्चों, क्या है पोर्ट, उसका पोर्ट का नाम जेद्दा पोर्ट, क्या है, जेद्दा पोर्ट, ठीक है, नाम देखिए याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जेद्दा पोर्ट, ठीक है, जेद्दा पोर्ट। और ये मुझे लगता है कि इस बार शायद न्यूज में, पिछली बार ये न्यूज में था 2022 में, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेद्दा पोर्ट आपको याद रखना है, कहां पर, सऊदी अरब में। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं सऊदी अरब की लोकेशन के बारे में। देखिए हमने पहली चीज रिविजन करेंगे हम दोबारा, सऊदी अरब में हमने देखा इसकी कैपिटल क्या है, रियाद है, और दोस्तों क्या है यहां पर जो पोर्ट है उसका क्या नाम है, जेद्दा पोर्ट। ये दो चीजें थी और ये है कहां पर जेद्दा पोर्ट, तो दोस्तों इसको भी एक चीज लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर जो है ना उसको लिख लीजिएगा रेड सी, रेड सी या लाल सागर लिख लीजिएगा, ठीक है, लाल सागर या रेड सी, ये रेड सी के पास में। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखाता हूं, आप जब अपने एटलस देखेंगे मेरे बच्चों तो ये आपको देखो ईरान के साउथ में सऊदी अरब का बॉर्डर दिख रहा है, टच कर रहा है, बहुत ज्यादा बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि जो सऊदी अरबिया है वो रेड सी एवं फारस की खाड़ी के मध्य स्थित है। तो आप देखें जैसे ये रेड सी है और इसके बाद यहां पर आपको फारस की खाड़ी दिखाई पड़ेगी, ठीक है, यहां पर आपको फारस की खाड़ी दिखाई पड़ेगी। तो ये दोनों जो है इसके बीच मध्य स्थित है। और दूसरी चीज याद रखना है कि यहां पर इसके पश्चिम में लाल सागर है, ठीक है, लाल सागर है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो सऊदी अरब के बारे में इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले एक पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें इसके बारे में, जो मैं लिखने बोलने वाला हूं उसको लिखिए, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं आप लिखिए, लिखिए यह, लिखिए एक पॉइंट लिखिए, यह लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के मध्य स्थित है। देखो अगर देखो यहां पर जो है यहां पर रेड सी है इसके, और इधर अगर बात करेंगे तो इधर पर क्या है, इधर जो है वो है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी बहुत पुरानी फारस की खाड़ी है बच्चों, जैसे कि जो फारस की सभ्यता थी वो कहां पर थी, वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फारस की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, आपने नाम सुना होगा मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये सब कहां थी, ये इसी फारस की खाड़ी के आसपास की जो सभ्यता थी उस समय विश्व में, तीन चार पांच जो सभ्यताएं आप पढ़ते हैं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं सॉरी
भारत में जो थी सिंधु घाटी सभ्यता है, चीनियन सब है ना, चीन में जो दजला फरात के पास जो जो थी क्या कहते हैं, ठीक है, फारस की सभ्यता, दजला फरात यहाँ पे दो नदियाँ थी यहीं पर उसे मिलती, ठीक है, चीन में दोस्तों चीनी सभ्यता थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं पुराने एशियन काल में, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपको सऊदी अरब के बारे में याद रखना है, और सऊदी अरब के बारे में एक चीज़ दिमाग में गांठ बांध के याद रखना है कि दुबई वो सऊदी अरब में नहीं है, ठीक है, वो कहाँ है तो अभी हम उसको बताने वाले हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपने लिखी, फटाफट फटाफट लिखेंगे, चलिए देन हम नेक्स्ट आते हैं बच्चों मेरे। नेक्स्ट जो कंट्री है, देखो अब यहाँ से हम चले थे, हमने देखो फिर हमने इधर कौन सा, जो सऊदी अरब के बाद कौन सी कंट्री पढ़ा है, कुवैत को, तो आप कैप आपको कैप जो कंट्री है उसको डालेंगे कुवैत, कुवैत कुवैत ऐसा लिखा होता है कुवैत, ठीक है, कुवैत, कुवैत की भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इसकी लोकेशन जाननी है और इसकी कैपिटल जाननी, तो लोकेशन आप जान ही रहे कहाँ पर है, इराक के या, ठीक है, और अगर हम बात करें कैपिटल तो इसकी कैपिटल का जो नाम है उसकी कैपिटल इसकी देश का ही नाम है, कुवैत सिटी, क्या है, कुवैत सिटी, इसकी जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी, ठीक है, बहुत आसान से आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, इसकी जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी, कुवैत सिटी, ठीक है, तो कुवैत के नाम पर इसकी कैपिटल के जो नाम है उसका नाम है कुवैत सिटी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने एग्जैक्टली याद रख ली होगी, ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोट्स करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे और मूव करते हैं, कुवैत पढ़ लिया, ठीक है, एक बार मैं रिवीजन आपको करा दूं, मैंने आज जो पढ़ाना शुरू किया सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया बच्चों सीरिया, सीरिया में मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, सबसे पहली चीज मैंने पढ़ाई उसकी कैपिटल क्या है डमेस्कस, फिर मैंने उसे कुछ प्लेस पढ़ाए, जैसे मैंने आपको इडलिप पढ़ाया, फिर मैंने आपको अलेप्पो पोर्ट पढ़ाया, देन मैंने हामा और होम्स पढ़ाया, ये दो चार चीजें मैंने पांच चीजें उसमें पढ़ाई, फिर मैंने आपको इसके बाद जॉर्डन पढ़ाया, जॉर्डन मैंने सिर्फ कहा कि आपको कैपिटल याद रखें, जॉर्डन कैपिटल ओमान, ओमन एमन बोलते, ठीक है, इसके बाद इसकी जो सऊदी अरब में मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले इसकी याद रखें कैपिटल क्या है, तो मैंने बताया इसकी कैपिटल है रियाद, देन इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक जद्दा पोर्ट पढ़ाया, जद्दा पोर्ट जो कहाँ पर है लाल सागर के पास में, इधर साइड आपको मिलेगा, देखो मैं इसको बना दूँ एक सेकंड, नहीं तो आप कहीं यहाँ पर आपको ये जद्दा पोर्ट मिलेगा इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पर आपको जद्दा पोर्ट मिलेगा इधर, तो जद्दा पोर्ट पढ़ाया और मैंने कहा ये रेड सी में है, फिर मैंने आपको इसमें एक प्लेस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाया कि जो सऊदी अरब है वो लाल सागर तथा फारसी खाड़ी के मध्य स्थित है, देन फिर मैंने आपको कुवैत पढ़ाया और जिसकी कैपिटल क्या है कुवैत सिटी, ठीक है। तो हम देखें इराक के इतने सीधे सीधे चल रहा है और हमने कितने सारे कंट्री कवर कर लिए, कुवैत कर लिए, अब बचा ईरान दोस्तों, अब बचा ईरान, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट देश है, ठीक है, ईरान के बारे में तीन चार चीजें हम जानने के प्रयास करेंगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए चलिए हम जानेंगे बच्चों ईरान, ईरान आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे और उसको साथ साथ लिखते चलेंगे, ईरान, ठीक है, ईरान की कैपिटल तो आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों, बहुत बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, ईरानियन कंट्री, ठीक है, ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है, आप सभी जानते हैं कैपिटल क्या है इसकी दोस्तों, तेहरान है दोस्तों, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है ईरान की वो कैपिटल क्या है, तेहरान है, ठीक है, टी ई एच तेहरान है, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो तेहरान है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़नी है, तेहरान हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखिए ये है तेहरान, ठीक है मेरे बच्चों, ये तेहरान है, इसको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, तो देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें अभी इसमें बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आप इसके बारे में मैं कुछ आपको लिखा देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज पता होगा, एक बंदरगाह बहुत नाम था पिछले कई सालों, मतलब दो तीन साल बहुत चर्चा बना इसका, एक बंदर कौन सा, चाबहार पोर्ट, क्यों इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या था कि हम लोग कुछ यहाँ पर कुछ अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर चीजें बना रहे थे, यहाँ का इसका जो बंदरगाह उस पर हम लोग भी निवेश कर रहे थे डेवलपमेंट के नाम, ठीक है, तो यहाँ का जो एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह वो है चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट याद रखना है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, चाबहार बंदरगाह, ठीक है, चाबहार बंदरगाह, ये इंपॉर्टेंट है, ठिल अल बसरा पोर्ट याद रखना है ये दोस्तों, अल बसरा पोर्ट, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, अल बसरा पोर्ट याद रखना है, ठीक है मेरे बच्चों, फिर इसके बाद दोस्तों, ठीक, अल बसरा पोर्ट, इसके बाद यहां पर एक प्लेस है बच्चों जिसका नाम सिराज प्लेस,
सिराज प्लेस हो गया दोस्तों, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी इसकी, ठीक है मैं जो, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो आपको चाबहार पोर्ट, अलबसरा पोर्ट और सिराज एक प्लेस है यहाँ का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इराक में किरकुक पढ़ाया है, इराक में मैंने आपको पिछली क्लास में किरकुक पढ़ाया, वो भी इंपॉर्टेंट है। जिसी तरीके से यहाँ पर एक प्लेस है सिराज, एक प्लेस है यहाँ पर सिराज, ठीक है। तीन प्लेस को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मेरे बच्चों, चाबहार पोर्ट, अलबसरा पोर्ट, है ना, ठीक। और एक और इसी के नाम पे आपको मिलेगा अल अब्बास पोर्ट, अल अब्बास पोर्ट, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। अलबसरा के जैसे ही एक एक पोर्ट है अल अब्बास, अल अब्बास पोर्ट, अल अब्बास पोर्ट, ये याद रखना है आपको, ठीक है, अल अब्बास पोर्ट ये याद रखना है। तो इतनी चीजें आपको ईरान के बारे में याद रखना है, ठीक है। ईरान रिविजन करेंगे, ईरान की कैपिटल तेहरान, चाबहार पोर्ट, अलबसरा पोर्ट, सिराज एक प्लेस है और अल अब्बास एक पोर्ट है, ठीक है। ये आपको चाबहार पोर्ट और अलबसरा पोर्ट और अल अब्बास पोर्ट ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इन पे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ज्यादातर ईरान से, तो यहां से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको बनाएगा वो। चाबहार पोर्ट तो बहुत फेमस है, हर किसी के जुबान पर रटा होता, तो आपके भी दिमाग में रटा रहना चाहिए कि चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर भारत ने इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। अपने जो क्या भारत, देखो भारत क्यों इन्वेस्ट कर रहा था मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि बच्चों, जैसे कि ये इंडिया है, देखो मेरी बात को समझेंगे, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे ये इंडिया है, अब इंडिया को जब क्या होता है मध्य एशिया में व्यापार यानी ट्रांसपोर्ट करना या सॉरी ट्रांसपोर्टेशन करना या व्यापार करना होता है, तो भाई उसके लिए क्या है, देखो या तो उसके लिए दोस्तों एक एक चीज है कि वो अगर लैंड फॉर्म से करे तो उसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान होते हुए तब जाना पड़ेगा, इधर जाएंगे। लेकिन अगर उसको, और आप ये भी जानते हैं कि लैंड से जो जो ट्रांसपोर्टेशन करना वो कॉस्टली पड़ता है, किसके अपोजिट, किसकी तुलना में, उसकी दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम वाटर के माध्यम से करेंगे या जल के माध्यम से करेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन, तो कॉस्ट क्या होता, सस्ता पड़ता, और कॉस्ट सस्ता पड़ने से ये होता कि चीजें भी सस्ती होती। भाई देखो, हमने 4 रुपए की कोई चीज बनाई, उस पे हम ट्रांसपोर्टेशन कोड हमारा 3 रुपए लग गया, तो वो 7 रुपए का हो गया प्रोडक्ट सबसे पहली चीज, फिर आपको उस पे बेनिफिट भी चाहिए, तो हम उस पे 2 रुपए बेनिफिट लगा दिए, अब वो हो गया 9 रुपए का। लेकिन वही सोचो, बना 4 ही रुपए का था, लेकिन उस पर ट्रांसपोर्टेशन कोड लगा बच्चों 2 ही रुपए, अब बच गया 1, यानी 6 रुपए हुआ, और 2 उसमें बेनिफिट हुआ के लिए हम लगा देंगे, तो 8 रुपए, 9 रुपए की जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से 9 रुपए को हुई थी, किसके रोड के माध्यम से, वही अगर हम पानी से कर रहे हैं वो 8 रुपए की चीज हो रही, तो हमें 1 रुपया सस्ता पड़ रहा है, यानी हम क्या होगा उसको मार्केट में सस्ता बेच पाएंगे। इसीलिए हर कोई, चाहे वो जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे भी कोई कंट्री हो, वो हमेशा अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये रीजन होता है, ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए क्या होता है कि सबसे ज्यादा कम ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है वो है वाटर के माध्यम से, ठीक है, वाटर के माध्यम से। क्योंकि क्यों, क्योंकि वाटर में कोई ट्रांसपोर्टेशन जाते समय हमें ऐसा नहीं कि वहां कोई भीड़ है, हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हम सीधे आराम से चले जा सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे कि मान लो यहां पर जाना है, यहां से तो बहुत सारे पहाड़ पर इस तरह घूमते हुए जाना है, लेकिन पानी में ऐसा नहीं, सीधे जा रहे हैं आप एक लाइन में, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सस्ता पड़ता। तो हमने क्या किया था, जब हमको मध्य एशिया से व्यापार करना, और इधर क्या था, पाकिस्तान के हमारे साथ जानते हो जानी दुश्मन है, हमारा पुत्र पाकिस्तान जो है हमारा बच्चा, लेकिन थोड़ा बिगड़ गया है, तो उसको बार बार समझाना पड़ता है कि बेटा हम बाप हैं तुम्हारे, अभी समझ जाओ, जिस दिन मारेंगे बहुत मारेंगे, और कई बार पीटा भी गया है, तो लेकिन जो क्या होता है ना, जो बच्चे कुछ ढीठ होते हैं वो सुधरते नहीं, तो ये भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। देखो बांग्लादेश, देखो छोटा बच्चा अपना, वो देखो समझदार है, वो समझ के चलता है, वो ज़्यादा नहीं, वो कभी कभी उसका भी दिमाग खराब होता है, लेकिन फिर उसकी बुद्धि सही हो जाती है, लेकिन ये बिगड़ गया है, तो इसकी बुद्धि ज़्यादा खराब है, तो ये क्या होता है, हमें इधर से जाने नहीं देता, कहता नहीं हमारा बंटवारा हो गया है, और हम बंटवारे में जो हमारा घर की नकील तुम पार नहीं कर सकते, तो इसी तरीके हमारा इनका हाल है, ठीक है। तो हमें इधर से थोड़ा दिक्कत होती है, और इधर अफगानिस्तान तो आप जान ही रहे भैया वहाँ की स्थिति, वहाँ पर जो जहिद गवार लोग हैं, जो आतंकवादी लोग वहाँ सरकार चला रहे हैं, तो वहाँ तो भाई जोखिम है, तो वहाँ लूट लिए जाओगे, क्या मतलब वहाँ जाने का। तो हमने क्या सोचा कि हमें भैया ये जो तुर्की है, सॉरी तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, इधर हमको रसिया में है, इधर हमको इधर जो टर्की है, इन देशों में हमें व्यापार करना है, तो हम क्या करें कि हम ईरान से हमारे थोड़े संबंध ठीक हैं, क्योंकि हम उससे ऑयल रहते रहते हैं, और हम उसको ग्रेनरी यानी जो गेहूँ खाद वाली जो चीज़ें वो उसको हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो हमने, हमारा उससे क्या हुआ, एक समझौता हुआ, और हमने उससे क्या किया, उसके यहाँ पर चाबहार पोर्ट जो है उसको
उसको डेवलप करने पर हमने कहा कि हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारी कंपनी देश की, हमारे इंडिया की कंपनी इन्वेस्ट करेगी और उस पर हम उसको डेवलप करेंगे और हम बस उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो हमने यहाँ पर चाबहार बोर्ड बनाया। देखो बनाने का अभी देखो चल रहा था, फिर बाद में समझौता टूटा, फिर इस तरीके से अभी चल ही रहा है उस तरीके से। अभी पता नहीं कहाँ पर काल को कपोत में चला गया, अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये चीज़ समझो, अगर यहाँ पर सोचो हमारा ये जो प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हमें बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ईरान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ सब तजाकिस्तान, हम यहाँ सब ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम अपना जो भी सामान बेचना चाहें बेच सकते हैं यहाँ पर लाकर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए टर्की जा सकते हैं, सीरिया, इराक, जॉर्डन, यानी इतनी सब जगह हम कर सकते हैं। इसी जगह से यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पोर्ट हम डेवलप कर रहे थे। तो अब चाबहार पोर्ट कभी भूलेंगे जीवन में आप? हमने इतना ज़्यादा आपको बता दिया, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बच्चों क्या होता है, स्टोरी की तरह याद रखना होता है चीज़ें, आप लोग फैक्ट के चक्कर में ना पड़े। फैक्ट तो मैं बच्चों इतना दे दूंगा कि आप जीवन में कभी रट नहीं पाएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, जितना जरूरी उतना पढ़िए, जितना जरूरी उतना पढ़िए और चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, ताकि आप अगर पेपर में देखें तो तुरंत आपको याद आ गई सर ने तो इसको इस तरीके रिलेट करके पढ़ाया था और मुझे याद है अभी भी। तो आपको वो याद होना, मेरा मेन मकसद आपको चीज़ें सीखना चाहिए, आप रटे रट्टू तोता ना बने, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाई करिए अपनी, ठीक बच्चों। तो ये बात हो गई हमारी बच्चों, इराक, ईरान के चारों तरफ की जो कंट्री थे उनको हमने आराम से देख लिया। और एक चीज देखो, अब जैसे कभी भी आपको, कभी भी आपसे कभी कोई पूछे कि अभी कब, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ मान लो, तो आपको कभी लगे कि जैसे इराक भारत के पास है या ईरान भारत के पास है, तो हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों इंडियन और ईरानियन, आई देखो इंडियन आई ए एन ईरानियन, ठीक है, ईरानियन इंडियन, यानी इंडियन लोग और ईरानियन लोग दोनों पास पास हैं। पास पास कैसे हैं, देखो इंडियन ईरानियन ये दोनों पास है। इसके बाद यानी अगर हम इंडिया से चलना शुरू करेंगे तो पहले ईरान आएगा फिर इराक आएगा। तो हमें सबसे पहले अपने नज़दीक में रखना है ईरान को हमेशा, ठीक है। और ऐसे भी आ सकता है कि हमने चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान में, तो यानी वो ईरान हमारे पास है, इसीलिए हम ईरान में क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो हम इसीलिए चाबहार पोर्ट याद रखते हैं। दूसरी चीज आपको एक चीज़ और, कभी आप पढ़ने को जब आप, अब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा यूरोप में दोस्तों क्या है कि जैसे ये यहाँ पर ये कैस्पियन सी दिख रहा है, ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये एक सी है, इसका नाम है कैस्पियन सी। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश कैस्पियन सी से बॉर्डर टच करते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन बच्चों को कहाँ पर होती है, मैं बताऊँ दूँ, वो ईरान और इराक में कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इराक बॉर्डर टच करता है कि ईरान, तो बच्चों यही इंडिया के पास में कौन है, तो ईरान, और इंडिया के पास में अगर हम बात करें तो सऊदी, ये सॉरी भूमध्य सागर भी, सॉरी कैस्पियन सागर भी आ रहा है, तो ईरान पास में है तो कैस्पियन सागर भी पास में है, ठीक है। इसी वजह से ईरान जो होता है वो उससे बॉर्डर टच करता है, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कैस्पियन सागर का, देखो कैस्पियन, देखो मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, देखो कैस्पियन स्पेलिंग क्या होती है इस तरीके, पी ए एन, और ईरान की क्या होती है आर ए एन, देखो ए एन ए एन ए एन ए एन, एन लास्ट में इसके भी आ रहा है, एन इसके भी है। तो कैस्पियन किससे बॉर्डर टच करेगा, ईरान इराक में से, तो ईरान में, क्यों, क्योंकि इसका ए एन और इसका ए एन दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसको। मैं हालांकि ट्रिक बताता हूँ उसकी, इसकी तारीख जो है कैस्पियन सी के बॉर्डर टच करने वाली की तारीख होती है, मतलब जो इसकी जो कंट्री जो है उनकी जो क्या ट्रिक होती है वो तारीख है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, अभी आप टेंशन मत लो। मैं ब्लैक सी और क्या कह सकते हैं वो मेडिटेरियन सी और क्या कह सकते हैं ये कैस्पियन सी, इन सबसे बॉर्डर शेयर करने वाले देशों को मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी आप निश्चिंत रहें, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई हमारी ईरान और बाकी जो इराक से बॉर्डर सर्च करने वाले देश, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई आई होप, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे बच्चों, और उम्मीद है कि आपको सेशन पढ़कर मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है, वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि और भी लोग जुड़ें, और भी लोग जानें कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही। और मैं एक एक चीज़ें आपको मैप पे याद करा दूंगा, एक एक चीज़ें रटा दूंगा, ठीक है। बस आपको बकायदा क्लास को करते रहना है, रिविज़न करना है और क्लास को ध्यान से पढ़ना है बस। और आपको कोई बुक्स इन वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीपीएससी तैयारी कर, कोई भी तैयारी कर रहा हो, उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी लिए किसी की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आप से इसको कंटिन्यू करते रहें, और जो करंट में नहीं रहेगा मैं उसको तो ऐड करते ही पढ़ा दूंगा, लेकिन जो भविष्य में आने वाले वो तो मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या न्यूज में रहे, तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड करते, मैं तो बस सिखा दिया आपको। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।